तो देखो इसमें 16 अलग अलग क्रॉस हेयर है और मैंने अभी ये वाला क्रॉस हेयर एक्टिव किया है, तो आप लोग भी मज़ा आएगा, बहुत सारे क्रॉस हेयर्स है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार देवी और सजनों, आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेंड मेरे चैनल में। गाइस आज के वीडियो में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स पैक, जिससे आप अपने क्रॉस हेयर्स को चेंज कर सकते हो, और इसमें बस आपके बटन का थोड़ा डार्क हो जाता है बटन और लोडिंग स्क्रीन, बट बहुत मज़ेदार है गाइस। 16 अलग अलग क्रॉस हेयर्स है और मैं पानी में चले गए निकल जाते, और मैं बता दूँ इसको कैसे कैसे सब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर सकते तो करो, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करो कि जो भी खेलते हैं माइनक्राफ्ट। तो बता दो कैसे करते हैं ये। तो गाइस अपने ग्लोबल रिसोर्स में आके इसको एक्टिव कर लो, तो मैं भी एक्टिव कर लेता हूँ। और इसकी खास बात है कि ना, हम लोग अगर नेदर गेम्स खेल रहे हैं तो फायर चार्ज फेंकने के लिए नॉर्मल, अगर हम लोग विदाउट स्क्रीन खेलते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बीच में हमेशा एक क्रॉस हेयर एक्टिव रहेगा। इसके सेटिंग्स पे आपको जाके देख सकते हो, कुछ ऐसा LR लिख के आ रहेगा, बस आप एक बार एग्जिट करो ऐसे, मतलब सेटिंग से बैक करो और वापस आके देखो, तो आपको सारे क्रॉसर के पिक्चर्स दिखाने लगेंगे कैसे कैसे क्रॉसर्स हैं। और कलर रैंडमाइज भी कर सकते हो, इससे हर बार आप जैसे हर बार कोई न्यू वर्ल्ड में जाओगे तो क्रॉसर का कलर चेंज हो जाएगा। तो आ गया, और यहाँ आपको नीचे दिखा देगा कलर रैंडमाइज का एक बटन है उधर, तो अपने ग्लोबल रिसोर्स पे आते किधर गया, ओके यारा। तो एक्टिव्स पे जाना वापस, मैं किस पे जा रहा हूँ, इसको एक्टिव कर रहा हूँ, तो उसको एक्टिव पे वापस सेटिंग्स के बटन में क्लिक करो, आपको क्रॉस हेयर का पिक्चर्स दिखाने लग जाएंगे कैसे कैसे क्रॉस हेयर्स है। तो कोई भी एक एक्टिव कर लेते हैं, जैसे ये एक भाई बहुत सारे क्रॉस हेयर्स है, और इसका कलर रैंडमाइज का एक बटन ऑन कर दो तो हो जाएगा काम। और मैं भी कोई अच्छे से सिलेक्ट कर लेता पहले तो ये ट्राइंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट ये सिलेक्ट कर दें और बैक कर दें। तो अगर आप स्प्लिन स्क्रीन के साथ खेलते हो तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर विदाउट स्प्लिन स्क्रीन के साथ खेलते हो तो भी ये बहुत काम के, अगर आप नेदर गेम्स बेड बॉल या ऐसे अलग अलग चीज़ें खेलते तो बहुत काम आएगा आपको। क्रॉस हेयर भी अच्छा है और हमेशा एक्टिव रहेगा, अगर आप इसको ग्लोबल रिसोर्स पे एक्टिव करोगे तो हमेशा एक्टिव रहेगा, और बस थोड़ा टेक्सचर में चेंज हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है आपका लोडिंग स्क्रीन हो सब। और अगर समझो विदाउट स्प्लिन स्क्रीन नेदर गेम्स में खेल रहे हो तो फायर चार्ज मारने को काम आएगा, अगर आप फायर चार्ज वो और क्या रहता है वो सिलो फिशेस के लिए। और तो इस सर्वर में जाता हूँ जिस सर्वर में लास्ट वीडियो बनाया था एक, ओके गाइस मैंने ये अलग क्रॉसर एक्टिव किया और लॉल वॉइड था, ओके। तो मैं उसी सर्वर पे हूँ जिस पे बनाया था लास्ट वीडियो, और लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो बोल सकते हैं। तो ये इस क्रॉसर को मैंने एक्टिव किया, और देख सकते हो कलर ब्लैक है क्योंकि मैंने कलर रैंडमाइज ऑन रखा था। और मैं बता दूँ, पहले क्रॉसर सिलेक्ट करो फिर कलर रैंडमाइज ऑन करो, क्योंकि थोड़ा ग्लिच हो जाता है बाद में इसलिए। बट ओ भाई चैट में थैंक्स लिख देते। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो तो कर दो गाइस, ये बहुत काम का चीज़ है। और मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी पता है, बट आपको काम को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो बाय बाय।